सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट खत्म करा है, हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, संविधान को खत्म ना किया जाए। धीरे धीरे करके मनुवादी सरकार जो हमारे संविधान को प्रहार कर रही है, संविधान पे प्रहार कर रही है, तो हम लोग चाहते हैं ना तो हमारा संविधान खत्म हो, ना हमारे अधिकार खत्म हो। जैसा कि मोदी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को खत्म करने का डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, हम चाहते हैं कि उसी इज्जत से, बाकायदा हम लोग इज्जत से यहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी शांति से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। यही मांग हमारी है कि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी मांग वापस ले, अपना डिसीजन वापस ले, ना तो हम संविधान पे प्रहार सहेंगे, ना अपने अधिकारों पे प्रहार सहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी और योगी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बेटी रोड पे अपने अधिकार को लेके, जैसे कि हमारे PM मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पहले ही हमें बता देते हैं कि पहले बेटी को बचाओ। क्यों बताओ बेटी, क्यों बचाओ बेटियों को, बेटियों को बचाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, बेटियों को उतना बुलंद बना दो कि उन्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने मुकाम तक खुद पहुँच जाएंगी, उन्हें उनके हक और अधिकार खुद पता चल जाएंगे। बेटियों को बचाओ मत, बेटियों को पढ़ाओ सिर्फ। क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा जी, आप यहाँ क्यों आए हो, क्या मांगे आप? हमारे सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए हैं मोदी जी ने, हमें हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे अधिकार सारे वापस चाहिए, जितने भी हमारे अधिकार उन्होंने छीने हैं। क्या छीन लिया आपका अधिकार? सारे संविधान, हमारा संविधान हमारा नहीं रहने दे रहे हैं वो लोग। बोलो मोनिका यार। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसी ऐसी महिला भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, और इनकी मांग है कि जो हमारे संविधान के अंदर जो ये छेड़छाड़ की है वो छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिका जी। मलिका। मलिका, कहाँ से आई हो आप? मैं गोकुलपुरी से। गोकुलपुरी से क्यों आई हो आप यहाँ? भैया भाई साहब, पब्लिक काम होती ना, बहुत परेशानी कर रखा है। रजनी जी, आप यहाँ क्यों आई हो? हमारे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, हम इसके लिए यहाँ पे आए हैं, अपने मान सम्मान के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त में जुमले पहनाए जाते हैं, आप उन जुमलों में आ जाते हो, दूसरे की सरकार बनवा देते हो? नहीं, हम कभी दूसरे की सरकार नहीं बनवाते, हम अपने को ही वोट देते हैं। जो हमारी संविधान के लिए बात करता है, हमारे गरीबों के लिए बात करता है, हमारे समाज के लिए बात करता है, हम वोट हमेशा उनको देते हैं।